बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.7 में टुडे वी आर डूइंग क्वेश्चंस 8 to 12। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6.7 के 8 में क्या कहते हैं, अब आपको लॉग की वैल्यूज गिवन है, आपने टेबल में चेक नहीं करना, जस्ट पुटिंग करके उसको सॉल्व करना। क्या कहते हैं, लॉग 2 इज इक्वल टू 0.3010, लॉग 3 इज 0.4771, लॉग 7 इज इक्वल टू 0.8450। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम विदाउट यूजिंग लॉगरिथम टेबल। अच्छा, अब टेबल नहीं यूज़ करना, टेबल नहीं यूज़ करना, वैल्यूज गिवन है, तो जो नंबर गिवन होगा उसको हमने उन वैल्यूज में कन्वर्ट करना है जो गिवन है, ठीक है, यानी कि फैक्टर्स हमने उस नंबर के ले लें। अब लॉग 6 आपको पता है किसका, 6 किसके फैक्टर है, यस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है। अब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन का रूल लॉग पे यूज़ करें तो हमारे पास दोनों नंबर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब लॉग 2 और लॉग 3 की वैल्यू पुट कर लें, सिंपल वैल्यूज पुट की, ऐड किया 0.7781, लॉग 6 इज इक्वल टू 0.7781। देखिए, हमने विदाउट यूजिंग टेबल मेंटिसा और दिस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बगैर हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लॉग 21, लॉग 21 किसका फैक्टर है, यस 7 3s are 21 और 3 7s are 21, तो हमने लिख लिया। अब इसको हमने सेपरेट कर लिया, लॉग 7 की वैल्यू भी गिवन है और लॉग 3 की वैल्यू, पुटिंग कर लेते हैं। पुटिंग की तो हमारे पास लॉग 21 के आगे 1.322, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 10 में भी देख लें, 42, लॉग 42 किसका फैक्टर है, 6 into 7, लॉग 6 प्लस लॉग 7। अब 7 का तो कोई फैक्टर नहीं, लेकिन 6 का अगेन फैक्टर है, हमारे पास 6 की वैल्यू गिवन नहीं है लॉग 6 की, तो हम इसको दोबारा से कन्वर्ट करते हैं, 2 3s are 6, लॉग 2 प्लस लॉग 3 प्लस लॉग 7। लॉग 2 लिया तो 0.3010, लॉग 3 लिया 0.4771, लॉग 7 लिया तो 0.0450, इनको प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1.6231। लॉग 20, अच्छा जी, आप डिवीजन के फॉर्म में लॉग 49/6, आपको पता है डिवीजन के फॉर्म में हो तो हमारे पास रूल है, हम उसको क्या कर लेते हैं, माइनस के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो लॉग 49 माइनस लॉग 6, ठीक है। अब आपके पास ना लॉग 49 आपने टेबल के बगैर फाइंड करना है, आपको 2, 3 और 7 गिवन है, यानी कि इस क्वेश्चन को आपने 2, 3 या 7 में कन्वर्ट करके आपने इसको फाइंड करना है, तो 49 फैक्टर ऑफ 7 7s are 49, लॉग 6 2 मल्टीप्लाई बाय 3, लॉग 7 स्क्वेयर माइनस लॉग 2 3s are 6। अब ये आपके पास पावर आ गया था 2 log 7 माइनस लॉग 2 प्लस लॉग 3। अब इसमें आपने क्या वैल्यूज पुट कर दी, आपके पास 7 लॉग 7 की वैल्यू भी है, लॉग 2 की वैल्यू भी है, लॉग 3 की वैल्यू, तीनों वैल्यूज पुट की, उसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, 0.9119, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 भी देख लें, लॉग 0.072 फ्रैक्शन फॉर्म डेसिमल फॉर्म में है, तो हमने तो क्या करना है, हमें तो फैक्टर्स चाहिए, तो हम इसके पहले कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको कॉमन फैक्टर में कन्वर्ट किए, 8 9s are 72 और 1072, यानी कि आपने पॉइंट रिमूव किया, 72/1000 आ गया, 72 के फैक्टर 8 9s are 72 है और 1010 को 3 times मल्टीप्लाई करें तो 1000 आ जाता है। अब 8 के फैक्टर 2 2s are 4 4 2s are 8 और 3 3s are 9, 2³ × 3² × 10³। आप आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉग, और डिवीजन वाला आपने इसको माइनस कर लिया, मल्टीप्लाई को आप ऐड की फॉर्म में लिख लेते हैं, हमने इसको सिंपल ऐड की फॉर्म में लिख लिया। आप पावर वाले लॉग को आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर ले, 3 × log 2 + 2 × log 3 − 3 × log 10। अच्छा जी, अब बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ log 2 log 3 log 10 इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो तमाम वैल्यूज हमने पुट कर ली, log 10 इज इक्वल टू 1, तो ये तमाम आपने पुट करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.4892, ठीक है स्टूडेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपने फार्मूलाज याद रखने हैं, रूल्स में जो फार्मूलाज यूज हुए हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उनको आप लॉग में फिर ऐड कर लेते हैं, डिवीजन में है
तो आपने उसको माइनस की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि एक नंबर पे तो हम नहीं अप्लाई कर सकते ना, अगर डिवीजन फॉर्म में तो हम उसको सेपरेट करके हर नंबर का अलग अलग लॉग यूज़ करना होता है। तो रूल यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, एंड लास्ट में काइंडली कंप्लीट योर ऑल द नोटबुक एंड सेंड इन टू स्कूल फॉर चेकिंग। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।